भारतीय जनता पार्टी ने 6 भागों में बांटा है, उसी का परामुख प्रमंडल का जो सभा है आज गोनाथपुर विधानसभा से शुरुआत हो रहा है और 23 तारीख को यानी परसों विश्रामपुर विधानसभा में यात्रा प्रारंभ होगा। हम सभी कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और हमने आग्रह किया था कि सभी जो अपने प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, सभी को इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाना है। आज सभी लोग यहाँ कार्यक्रम में बैठे हैं, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। इस बैठक के बाद हम आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे सम्मानित मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी लोग अपने मंडल में आप एक अलग अलग बैठक करिएगा। समय चूंकि परसों है तो करके जो आपके पदाधिकारी हैं, मंच मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता है, सबसे बात करके वह जो यात्रा का शुरुआत होगा वह रेहला से शुरुआत होगा, जहाँ से हम सब इस विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में यात्रा में हम सबको सम्मिलित करेंगे, सम्मानित करने के साथ यात्रा का प्रारंभ करेंगे। तो बड़ी संख्या में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ सीनियर कई कार्यकर्ता हमारे नेता सम्मानित उपस्थित हैं, सभी को बुलाकर बातचीत करके हम लोग विधिवत रूप से उस यात्रा का शुरुआत करेंगे और प्रारंभ करने के बाद उस यात्रा में सभी कार्यकर्ताओं का सहभागिता उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए और सभी लोग चूँकि जो हमारे सम्मानित नेता हैं आपके विधानसभा में आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं, इसलिए हम सारे कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से जिम्मेवारी बनता है इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफलीकृत करके हम लोग सफल बनाएं। आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि झारखंड में जो राजनीतिक स्थिति है, जो राजनीतिक हालात है, जो सामाजिक स्थिति बन रहा है, सरकार की जो स्थिति है, हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन विधि व्यवस्था, लैंड ऑर्डर, परिस्थिति खराब हो रहा है। जहाँ संथाल परगना में हम देख रहे हैं कि डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है, वही नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ रही है और अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल पहले जो विकास की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था, चाहे सड़क हो, चाहे नल जल योजना हो, बिजली की स्थिति हो, सारे स्थिति यहाँ सारे काम ध्वस्त हो रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस राजनीतिक पार्टी को कोई आगे बढ़ाने में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का सबसे बड़ा अगर सकारात्मक भूमिका है वह भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी नेताओं के कारण नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के कारण, उनके मेहनत के कारण, परिश्रम के कारण और उनके सूझबूझ के कारण भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। आज जबकि सारे लोग हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ दो तरह का कार्यक्रम है, एक रोड शो का कार्यक्रम है और एक विशाल जनसभा है। रोड शो का जो कार्यक्रम होगा वो अरेला से प्रारंभ होगा, यहाँ विश्रामपुर में, पांडू में, इसके बाद सभा हम लोग का विराट सभा उटारी रोड में होगा। तो सभी कार्यकर्ता से हम आग्रह करते हैं कि आप एक व्यवस्थित रूप से और शानदार तरीके से विश्रामपुर विधानसभा में, इसके पहले भी कई कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं और निश्चित रूप से इस विधानसभा में कार्यकर्ताओं का जो प्रयास रहता है, जो मनोबल रहता है, निश्चित रूप से मजबूत कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसलिए इस बार भी हम सब अपेक्षा करते हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में एक व्यवस्थित रूप से और विधिवत एक मजबूत कार्यक्रम होगा और हमारे जो सम्मानित नेता आने वाले हैं उनको भी यह मैसेज देने का काम है कि विधानसभा शुरू से हम लोग मजबूती के साथ काम किए हैं और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। जो रथ यात्रा होगा, रथ यात्रा की जो यात्रा होगा, उस यात्रा में स्टार प्रचारक जो हमारे होंगे, जो हमारे प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ता नेता होंगे, रथ से उतरेंगे नहीं, धीरे धीरे करते हुए हमको उसको आगे बढ़ाना है और रास्ता भी सिलेक्शन ऐसा करिए उस रास्ता में मुड़ाव घुमाव नहीं हो, क्योंकि एक बार अगर आप रास्ता से घूमने का प्रयास करिएगा तो आप रास्ता में फंस जाइएगा। वाहन का संख्या इतना होगा, कार्यकर्ताओं का इतना संख्या होगा कि 1.5 घंटा आपको उसको व्यवस्थित करने में लग जाएगा और सभी कार्यकर्ता एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे विश्राम पांडु के हों, विश्रामपुर के हों, रेहला के हों, उदारी रोड के हों, मोहम्मदगंज के हों, जपला के हों, कहीं के भी, यह कार्यक्रम जो तय है हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि अगर एक स्थान पर कार्यक्रम अच्छा हो रहा है तो अगले स्थान पर भी हमको सब समय पहुंचना चाहिए। अगर आप एक स्थान में कार्यक्रम में विलम्ब करिएगा तो जिस स्थान पे हम लोग 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे समय दिए हैं वह कार्यक्रम हम लोगों का फ्लॉप होगा।
इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जिला में कार्यक्रम हो रहा है, आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सबों का दायित्व तो है कि संगठन का जो रोड मैप है, जो रूट चार्ट है, उसके अनुसार हम लोग चले और अपने यहाँ का सभा को हम लोग व्यवस्थित रूप से करके आगे बढ़ाएंगे। और इन सभाओं को करते हुए हम आग्रह करेंगे कि जो रोड शो हो रहा है, अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रोड किनारे अगर व्यवस्थित रूप से सांकेतिक रूप से चले चले और वाद्य यंत्र के साथ हम लोग अपने नेताओं का स्वागत करें, इस यात्रा का स्वागत करें। और इसमें सभी लोगों को, खासतौर पर जो पदाधिकारी हैं, जो मंडल के अध्यक्ष हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार चर्चा करके, बात करके, शाम में हो या कल सुबह हो, झंडा भी हम लोग यहाँ भिजवा दिया है। जो रूट होगा उस रूट पे लगातार झंडा, जब यात्रा है तो पूरा रूट पका हुआ रहना चाहिए, जिससे कि एक सप्ताह, चार दिन, पाँच दिन तक वह वातावरण चर्चा का विषय रहता है। सभी लोगों को इसमें लग के इसको सफलतापूर्वक करना है, और कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब सारे कार्यकर्ता लगेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम मजबूती के साथ सफल होगा। और कोई यह भाषण का सभा नहीं है, हम लोग सभी लोग बैठे हैं, कामकाजी कार्यक्रम है, बैठक है, और सभी लोग लग के जो हमको दायित्व मिलेगा, जो बात होगा, और सब लोग एक साथ लगते हुए एक स्थान के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ कई प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो सालों साल से संगठन को सिंचने में महत्व भूमिका का जिन्होंने निर्वहन किया है, आगे बढ़ाया है, और आप ही के कार्यक्रम और प्रयास से यह कार्यक्रम मजबूती के साथ सफल होगा। हम आग्रह करेंगे कि आज के बाद मंडल से एक बार आपको बैठक करके सभी लोगों को बुलाकर और सब लोगों को सहभागिता आगे बढ़ाने का काम करें, और समय के साथ, समय में विलम्ब हम लोग बहुत नहीं करें, क्योंकि आपके यहाँ अगर 10 बजे 11 बजे कार्यक्रम पहुँच रहा है तो कहीं 5:30 बजे भी पहुँचना है। अगर आप विलम्ब करिएगा तो आगे का कार्यक्रम 8 बजे 9 बजे पहुँचेगा, तो आप ही का, हम लोग का कार्यक्रम या फ्लॉप होगा या कार्यक्रम खराब होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि सभी दायित्वधारी और जिम्मेवार कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, आज से हम लोग इस कार्यक्रम में लगते हुए इस यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निश्चित रूप से निर्वहन करते आए हैं और आगे भी करेंगे, यही विषय है। और बाकी जो हमारे यहाँ सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, अगर किसी को लगता होगा कि कुछ सुझाव देना होगा तो 2-3 पॉइंट हम बोलेंगे, तो हम लोग उसको नोट करेंगे और उस पर आगे भी चर्चा करेंगे।